आ जाओ जुल्फी, लाओ बैग। मम्मी कहाँ जा रही हैं? घर छोड़ के जा रही हूँ बेटे। लेकिन क्यों जा रही हैं आप? इससे पहले कि किसी दिन गुस्से में तुम मुझे भी यहाँ से जाने का कह दो, बेहतर नहीं कि अभी चली जाओ? तो इन लोगों को जाने देना, ये तो आपका घर है, आप घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? अगर ये घर मेरा होता तो यहाँ वो लोग रहते जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। लेकिन आपने अपना डिसीजन सुना के ये एहसास दिलाया है कि ये आपका घर है, इसमें वो लोग रहेंगे जो आपको पसंद है। ये कल के आए हुए लोगों की वजह से आप अपने बेटे को छोड़ के जा रही है? क्योंकि आपकी माँ बहुत मान से इज्जत दिलाने का वादा करके लाई थी ना यहाँ, जिसे आपने एक सेकंड में तोड़ दिया। यहाँ रुकने की क्या वजह बनती है बताए? मैं नहीं जाने दूंगा आपको, नहीं जाएंगी आप। मेरे फैसले के खिलाफ जाके आप मुझे रोकने का जवाब खो चुके हो बेटे। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, आप नहीं जाएंगी, क्यों जिद कर रही हैं आप? तो मुझे जबरदस्ती नहीं रोक सकते हो? जबरदस्ती नहीं रोक रहा आपको, मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। चलिए बाप, चलिए। अच्छा ना, मैं मान रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, माफ कर दें। मुझसे नहीं, रोशना से माफी मांगी। अगर वो आपको माफ कर देती है तो मैं भी रुक जाऊंगी। इससे तो कभी माफी नहीं मांगूंगा मैं। तो फिर मैं भी अपना फैसला नहीं बदल सकती। चले वहां। नहीं ना, क्या हो गया पापा? जाने दे, तुम भी दिल बड़ा करो, माफ कर दो। बेगम साहिबा, गाड़ी में सामान रख दिया मैंने। जाओ तुम यहां से। ठीक है, सॉरी सॉरी उसने। ये किस तरह से सॉरी कह रहे हो? ये तरीका है? सीधे मुंह से बात करो, देख के बात करो, कहो सॉरी। सॉरी। आपा ने मोहब्बत दिखाई है, वो आला सर्फी का सबूत दे रहा है, तो शाम माफ कर दो। इट्स ओके। बिना किसी दबाव के अपना फैसला करो उष्णा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ बेटे। इन्होंने भले ही मेरे साथ बुरा सलूक किया हो, लेकिन मेरी माँ की तबीयत यही है कि बुरे के साथ भी अच्छा सलूक करो। जब इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने दिल से इन्हें माफ कर दिया।